हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद आरती यादव में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और इसी के साथ साथ आप सभी को हमारा नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि आपकी बायोलॉजी की जो वीडियो है वो कई दिनों से नहीं आ रही थी, उसका रीजन हम आपको थोड़ा बता देते। रीजन आपका ये है कि आपका जो बोर्ड का सेटअप है वो सही से नहीं बन पा रहा था, लेकिन अब हो गया सही बिल्कुल। अब आपको इसी बोर्ड पर टॉपिक वाइज वीडियो मिला करेगी और आप लोग अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका जो सीपी नेट का एग्जाम है वो भी अब जल्द ही होगा, ठीक है। बीएचयू का वो भी जल्द होगा, जीएसपीएम कानपुर की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उनका भी एग्जाम अब जल्द ही होगा। तो आप लोग लगातार अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के टॉपिक पर चर्चा करते हैं। टॉपिक आज का हमारा है लाइकेन से बनने वाले टॉप एमसीक्यू। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि क्लास 11th बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर इस टाइम चल रहा था, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम आपको कई टॉपिक कंप्लीट भी करा चुके, जैसे कि किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई विद एमसीक्यू के साथ ये टॉपिक हम आपको कम्प्लीट भी करा चुके। आज हम आपके लिए लाइकेन से बनने वाले कुछ टॉप एमसीक्यू लेकर आए, क्योंकि लाइकेन का जो थ्योरी पोर्शन है वो हम आपको दो वीडियो में कंप्लीट करा चुके हैं। लाइकेन की दो वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं और आज हम आपके लिए लाइकेन का ये थर्ड पार्ट लेकर आए हैं। लाइकेन का ये आपका थर्ड पार्ट है और आज की वीडियो में आपको लाइकेन से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू मिलेंगे, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी इस टाइम कर रहे हो, वीएचयू, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, सीपी नेट, जीएसबीएम कानपुर, आरयूएचएस, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए आज के क्वेश्चंस वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रहेंगे। लाइकेन से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सभी क्वेश्चन आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम पर हम आपको लिए आगे वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस पर। वीडियो एक पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अभी अभी आप हमसे न्यू जुड़ रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि हमारे चैनल पर फिजिक्स और बायोलॉजी की वीडियो लगातार आपके लिए डाली जाएंगी अब, ठीक है। और फिजिक्स की कई वीडियो पहले से भी डल चुके, कई चैप्टर आपके फिनिश भी हो चुके, तो आप लोग फिजिक्स की वीडियो जरूर देखा कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का फर्स्ट है हमारा कि अधिकांश लाइकेन किसके बने होते हैं। एक बात और आपसे बोलना चाहती हूँ, लास्ट तक हमारे साथ बने रहना, लास्ट में हम आपको बहुत ही जरूरी बात बताएंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सुनना, तो लगातार हमारे साथ बने रहना। क्वेश्चन बात करते हैं कि अधिकांश लाइकेन किसके बने होते हैं। अधिकांश लाइकेन जो होते हैं वो किसके बने होते हैं। तो देखो, हमने आपको बताया था लाइकेन जो होते हैं वो कवक और शैवाल से मिलकर बने होते हैं। लाइकेन जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, कवक प्लस शैवाल, कवक प्लस शैवाल यानी कि फंगस और एल्गी से मिलकर बने होते हैं। लेकिन यहाँ ऑप्शन क्या दिया हमको, ऑप्शन नंबर ए नीले हरे शैवाल व बैसिलोमाइसिटीज के, नीले हरे शैवाल व एस्कोमाइसिटीज के, लाल शैवाल व एस्कोमाइसिटीज के, भूरे शैवाल व फाइकोमाइसिटीज के। ऑप्शन नंबर डी हमारा भूरे शैवाल व फाइकोमाइसिटीज के। अब बात करते हैं, यहाँ कवक का नाम तो कहीं भी नहीं दिया हुआ है, अब कैसे सॉल्व करोगे इसको। तो देखो, हमने आपको जब किंगडम फंजाई टॉपिक कराया था तो वहां पर बताया था कवक को चार वर्गों में बांटा गया है। जो कवक होता है उसे चार वर्गों में, चार क्लास में बांटा गया है। कितनी क्लास में बांटा गया है, चार वर्गों में बांटा गया है। एक आपका है फाइकोमाइसिटीज, दूसरा आपका है एस्कोमाइसिटी, ड्यूटेरोमाइसिटी, और एक आपका है एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटी, बैसिलोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। इनके बारे में हम आपको कवक जब टॉपिक हमने आपको बताया था वहां पर बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा भी चुके हैं, ठीक है। तो बात करते हैं कि अधिकांश लाइकेन होते हैं वो किसके बने होते हैं। वैसे तो कवक और शैवाल के बने होते हैं, लेकिन कवक का कौन सा वर्ग उसमें ज्यादा भाग लेता है,
तो वो आता है नीले हरे शैवाल व एस्कोमाइसिटीज के बने होते हैं। अधिकांश लाइकेन जो होते हैं आपके वो नीले हरे शैवाल और एस्कोमाइसिटीज से मिलकर बने हुए होते हैं। नीले हरे शैवाल का मतलब है साइनोबैक्टीरिया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं बीजीए। क्या कहते हैं? बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो भी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर टू पर। क्वेश्चन नंबर टू बहुत ही इंपोर्टेंट है। ये चारों ऑप्शन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और चारों ही क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है हमारा, कौन फॉलियोज लाइकेन है, कौन इनमें से फॉलियोज लाइकेन है। अब बात करते हैं फॉलियोज लाइकेन का मतलब यहाँ पर क्या है। तो जब हमने आपको लाइकेन का वर्गीकरण पढ़ाया था तब वहां पर बताया था लाइकेन को तीन आधार पर बांटा गया है। कितने आधार पर बांटा गया? तीन आधार पर बांटा गया। सबसे पहले आपका कवक के आधार पर, कवकांश के आधार पर। दूसरे नंबर पे आपका जो बांटा था शैवाल के आधार पर, शैवलांश के आधार पर बांटा था लाइकेन को। और तीसरा आपका बांटा था थैलस के आधार पर। थैलस को आप कहते हो सुकाय। क्या कहते हो? सुकाय। और सुकाय का मतलब हम आपको बता भी चुके हैं, सुकाय का मतलब होता है ऐसे पादप जिनमें जड़ तना और पत्ती में आप विभेद नहीं कर पाते हो, जिन्हें जड़ तना पत्ती जिनकी आप अलग अलग करके नहीं देख सकते हो, ऐसे पादपों को थैलस कहा जाता है। ऐसे पादप जिसमें आप जड़ तना और पत्ती को अलग अलग करके नहीं देख सकते, उनमें विभेद नहीं कर सकते हो, डिफरेंस नहीं कर सकते हो, ऐसे पादपों को थैलस कहा जाता है। तो लाइकेन को तीन वर्गों में बांटा गया था। जब इसका क्लासिफिकेशन हमने किया था तो तीन मुख्य आधारों से किया था, कवक के आधार पर, शैवाल के आधार पर और थैलस के आधार पर। तो थैलस के आधार पर लाइकेन को हमने तीन भागों में बांटा था। कितने आधार पर? तीन भागों में। एक आपका फोलियोज, क्रस्टोज और फ्रूटिकोज। एक आपका क्रस्टोज था, दूसरा आपका फोलियोज, तीसरा आपका था फ्रूटिकोज। ठीक है, अब बात करते हैं निम्न में से फोलियोज लाइकेन कौन सी है। तो देखो फोलियोज जो लाइकेन है आपकी वो आपकी पारमेलिया है। कौन सी है? पारमेलिया। कौन सी फोलियोज लाइकेन का उदाहरण है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर जो ए लिखा है वो आपका पारमेलिया जो है वो फोलियोज लाइकेन का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी और डी पर। तो ऑप्शन नंबर जो बी और डी है ये दोनों किसके उदाहरण है? तो ये आपके दोनों ही फ्रूटिकोज के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? फ्रूटिकोज जो आपका तीसरे नंबर पे है थैलस के आधार पर, उसी के ये उदाहरण है। किसके? फ्रूटिकोज लाइकेन, फ्रूटिकोज लाइकेन। ठीक है, ये किसके उदाहरण है? तो ये तीनों ही आपके फ्रूटिकोज के उदाहरण है। तो पहला आपका कौन सा है? क्रस्टोज। दूसरा आपका कौन सा है? फोलियोज। और तीसरा आपका थैलस के आधार पर वो है फ्रूटिकोज। क्या है आपका? फ्रूटिकोज। तो फ्रूटिकोज के आधार से उदाहरण पूछे जाए तो आप क्या बताओगे? असनिया और क्लेडोनिया। असनिया और क्लेडोनिया जो ये दोनों है वो फ्रूटिकोज लाइकेन के उदाहरण है। जबकि पारमेलिया की बात की जाए तो ये फोलियोज है। अब बात करते हैं लाइकोनोरा का मतलब क्या यहाँ पर है। तो लाइकोनोरा जो उसका उपयोग किया जाता है वो भोजन के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? भोजन के रूप में। यदि आपसे पूछा जाए कौन सी लाइकेन का प्रयोग किया जाता है तो भोजन के रूप में लाइकोनोरा लाइकेन का प्रयोग किया जाता है। तो आपको अच्छे से दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि अधिकांश लाइकेन किसके बने होते हैं। तो वो नीले हरे शैवाल व एस्कोमाइसिटीज के बने होते हैं। कौन फोलियोज लाइकेन का उदाहरण है? तो पारमेलिया जो आपका है वो आपका फोलियोज लाइकेन का अच्छा उदाहरण है। जबकि असनिया और क्लेडोनिया की बात की जाए तो ये फ्रूटिकोज के उदाहरण है। जबकि बात की जाए क्रस्टोज की वो भी हम आपको यही बता देते हैं। तो क्रस्टोज लाइकेन में आपका उदाहरण आता है ग्रेफिस। एक हमने और बताया था उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। क्रस्टोज में हमने दो आपको उदाहरण बताए थे, एक हमने आपको बता दिया ग्रेफिस, दूसरा आपको बताना हुआ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। ठीक है, तो लगातार हमारे साथ देखते रहना। आएंगे जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएंगे जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यदि अच्छे लग रहे हो तो प्लीज आज की वीडियो आप लोग बहुत ज्यादा शेयर करना, जिससे हमारा मन है बहुत ज्यादा खुश हो और हम आपके लिए लगातार वीडियो बनाते रहे। इसी प्रकार लगातार आपको वीडियो आप मिलेगी टॉपिक वाइज इसी बोर्ड पर। और जो भी टॉपिक हम आगे लेकर आएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। ठीक है,
देखो छोड़ना आपको कुछ नहीं है, यदि आपको लगातार अच्छे से तैयारी करनी है, आपको एग्जाम 2021 में निकालना है, तो कुछ भी नहीं छोड़ना है, सभी इम्पोर्टेंट है। जितना भी हम आपको पढ़ा रहे हैं सभी इम्पोर्टेंट है, लगातार आपको पढ़ते रहना है। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आज का 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, लाइकेन निम्न में से किसका उदाहरण है। लाइकेन निम्न में से किसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सहजीवी का, ऑप्शन नंबर बी है परजीवी का, ऑप्शन नंबर सी है शैलोद्भिद का, ऑप्शन नंबर डी है केवल ए सही है। तो देखो हमने आपको बताया था लाइकेन एक सहजीविता का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। क्यों? क्योंकि लाइकेन जो होता है वो कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है। लाइकेन को कवक और शैवाल के बीच की कड़ी कहा जाता है, तो एक सहजीवी संबंध है। लाइकेन में कवक होता है वो शैवाल पर निर्भर होता है, और शैवाल जो होते हैं वो कवक पर निर्भर होते हैं। ठीक है, शैवाल का काम होता है प्रकाश संश्लेषण की सहायता से भोजन को बनाना, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जबकि कवक का काम होता है जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करना। तो ये एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है, यानी सहजीवी संबंध है, साथ साथ रहते हैं, सहजीवी संबंध है उनका। तो आपको पता है कि जो लाइकेन है वो किसका उदाहरण है, तो वो आपका सहजीवी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, सहजीवी का उदाहरण है, बहुत ही अच्छा। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर और बनता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और हमने आपको बताया कि लाइकेन को कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा इस संबंध को एक नाम और दिया गया है। उस नाम को क्या है नाम उसका, तो उसे कहते हैं हेलोटिज्म। क्या कहते हैं, हेलो, उस नाम जो संबंध को कुछ वैज्ञानिकों ने लाइकेन के जो संबंध है इसको सहजीवी संबंध से एक नाम से और जाना जाता है, जिसे कहते हैं हेलोटिज्म। क्या कहते हैं, हेलोटिज्म कहते हैं। देखो यहां से हम लिख देते हैं थोड़ा, हेलोटिज्म। क्या कहते हैं, हेलोटिज्म। लाइकेन का एक संबंध यानी कुछ वैज्ञानिकों ने इस सहजीवी संबंध को हेलोटिज्म के नाम भी दिया, हेलोटिज्म के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हेलोटिज्म शब्द है ये किससे संबंधित है, तो हेलोटिज्म जो ये शब्द है वो आपका लाइकेन से संबंध है। लाइकेन का जो सहजीवी संबंध है उसको कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा हेलोटिज्म भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करते हैं, निम्न में से कॉर्टिकोलस, निम्न में से कॉर्टिकोलस लाइकेन कहाँ पर उगते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, निम्न में से कॉर्टिकोलस लाइकेन कहाँ पर उगते हैं। कास्ट पर, ऑप्शन नंबर बी है, तो देखो सॉरी यहाँ पर हमने गलत कर दिया। और क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं एग्जाम में भी। आपका ऑप्शन नंबर जो ए लिखा है सहजीवी, लेकिन आपको ऑप्शन नंबर जो डी दिया है वो स्पेशल में दिया है, केवल ए सही है। तो प्लीज यहाँ से आप लोग सही से समझ के जाए, सॉरी यहाँ पर आपका होगा जो लाइकेन होता है वो क्या है, सहजीवी संबंध है, सहजीवी का उदाहरण है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी दिया है वो हमको क्या दिया, केवल ए सही है। तो यही आपका ऑप्शन ठीक होगा, न कि ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि मुझे स्पेशल में दिया गया है केवल ए सही है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ, ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमने इस क्वेश्चन के चक्कर में इसे थोड़ा ध्यान में नहीं रखा, सो सॉरी। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ इसमें, केवल ए सही है। कौन सा सही है, केवल ए सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, निम्न में से कॉर्टिकोलस लाइकेन कहाँ पर उगते हैं। काष्ठ पर, मृदा पर, पत्थरों पर, या वृक्षों की छाल पर। तो चलिए बात करते हैं कि हमने आपको बताया था कि लाइकेन को आवास के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, कॉर्टिकोलस, सेक्सिकोलस और टेरिकोलस। कॉर्टिकोलस, सेक्सिकोलस और टेरिकोलस तीनों पर बात करेंगे, जिससे आपका रिवाइज हो जाएगा अच्छी तरीके से। जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखी वो एक बार वीडियो को जरूर देखे, जिस वहां पर आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीजें समझ में आएंगी। फिर भी हम इसे रिवाइज करते हुए चल रहे हैं, जिन्होंने देखी होंगी वीडियो उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं सेक्सिकोलस की, तो सेक्सिकोलस जो लाइकेन होती है वो आपकी कहाँ पर उगती है, सेक्सिकोलस
जो आपकी लाइकेन होती है वो कहाँ पर उगती है? तो सेक्सिकोरस जो लाइकेन होती है ये आपकी चट्टानों पर उगती है। कहाँ पर उगती है? चट्टानों पर। चट्टानों पर उगने वाली लाइकेन को, चट्टानों पर उगने वाली लाइकेन को सेक्सिकोलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेक्सिकोलस। एक आपकी और है दूसरी आवाज के आधार पर, टेरिकोलस। कौन सी है? टेरिकोलस। टेरिकोलस जो आपकी लाइकेन है ये कहां पर उगती है? तो मृदा पर उगने वाली, मृदा पर उगने वाली लाइकेन को, उगने वाली लाइकेन को टेरिकोलस कहा जाता है। तो देखो पत्थरों पर होगा नहीं और मृदा पर भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी लिखा है, वृक्षों की छालों पर, वृक्षों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कॉर्टिकोलस कहा जाता है। तो आवाज के आधार पर लाइकेन को तीन भागों में बांटा गया, कॉर्टिकोलस, सेक्सिकोलस, टेरिकोलस। कॉर्टिकोलस का मतलब है वृक्षों की छाल पर उगने वाली, सेक्सिकोलस का मतलब है चट्टानों पर उगने वाली लाइकेन, और टेरिकोलस का मतलब है मृदा पर उगने वाली लाइकेन को टेरिकोलस कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लाइकेन निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये सहजीवी का उदाहरण है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। इसका भी ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पर। क्वेश्चन नंबर फाइव आपका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन वो भी है। तो जो भी हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहे हैं आप लोग प्लीज नोटबुक पे नोट डाउन करते हुए चले, ठीक है, और आपका अच्छे तरीके से रिवाइज भी हो रहा है। हम चारों क्वेश्चन लगभग आपको बताते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव, तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव है आज का हमारा, खांसी के उपचार में किस लाइकेन का उपयोग होता है? खांसी के उपचार यानी कफ के उपचार में किस लाइकेन का उपयोग किया जाता है? ये चारों ऑप्शन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो अच्छे समझते जाना। और तो बात करते हैं खांसी के उपचार में किस लाइकेन का उपयोग किया जाता है। हमने आपको बताया था कि लाइकेन का उपयोग है वो कई तरीके से किया जाता है, जैसे कि औषधि के रूप में, इत्र सौंदर्य इत्र बनाने में किया जाता है, सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है, और आपके कई ऐसी चीजें जिनके उपचार जिनके में लाइकेन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि खांसी के उपचार में किस लाइकेन का उपयोग होता है। एर्विनिया फार फेसिया का, असनिया बारबेटा का, या क्लेडोनिया का, या लोवेरिया का? तो देखो एक एक ऑप्शन पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी पर। असनिया बारबेटा का जो प्रयोग किया जाता है वो आपका बाल मजबूत करने के लिए, बालों को मजबूत करने के लिए किस लाइकेन का प्रयोग किया जाता है? तो बाल मजबूत करने के लिए असनिया बारबेटा लाइकेन का प्रयोग किया जाता है। किसका? असनिया बारबेटा जो लाइकेन होती है एक प्रकार की, उसका प्रयोग बालों को मजबूत करने में किया जाता है। किसके मजबूत करने में? बालों को। बात करते हैं लोवेरिया का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो लोवेरिया जो है उसका प्रयोग जो आपका किया जाता है वो फेफड़ों के रूप में, फेफड़े संबंधी रोग, फेफड़े संबंधी जो रोग होते हैं उनके उपचार के रूप में लोवेरिया नाम की लाइकेन का प्रयोग किया जाता है। फेफड़े संबंधी जो रोग होते हैं उनके उपचार के लिए किस लाइकेन का उपयोग किया जाता है? तो लोवेरिया पारमेलिया का उपयोग फेफड़े रोग के उपचार में किया जाता है। फेफड़े संबंधी जो भी रोग होते हैं उनके उपचार के लिए किस लाइकेन का उपयोग किया जाता है? तो वो आपकी है लोवेरिया पारमेलिया। अब बात करते हैं क्लेडोनिया क्या है, तो क्लेडोनिया का जो उपयोग किया जाता है वो बुखार के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? बुखार के रूप में। थोड़ा हम इसमें इंक डालें जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है, इसमें इंक थोड़ा डालें, ओके, तो अच्छे से आपको समझ, जो पॉइंट आपके समझ में ना आए आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हो, उसका आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर देने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं क्लेडोनिया, तो क्लेडोनिया जो होती है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो क्लेडोनिया जो आपकी लाइकेन है इसका उपयोग बुखार के उपचार में किया जाता है। किसके उपचार में? बुखार के उपचार में, बुखार के उपचार में क्लेडोनिया का प्रयोग, फेफड़े संबंधी रोग लोवेरिया पारमेलिया, ऑप्शन नंबर जो बी लिखा असनिया बारबेटा, इसका प्रयोग बाल को मजबूत करने के लिए,
अब ऑप्शन नंबर आपका क्या बचा, ए। तो यही आपका राइट आंसर है। खांसी के उपचार में किस लाइकेन का प्रयोग किया जाता है, तो एयरवेनिया फरफेसिया। एयरवेनिया फरफेसिया फेस आपका यानी कि खांसते आप कहां से हो, मुंह से, तो फेस से संबंधित यानी फेस कहां से, यानी फेस का मतलब चेहरा, चेहरा आप खांसोगे कहां से, तो मुंह से खांसोगे, तो यहाँ फेसिया से आप याद कर लेना। एयरवेनिया फरफेसिया का प्रयोग खांसी के उपचार के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो ये आपकी सभी क्या है, एक प्रकार की लाइकेन है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। लाइकेन निम्न में से प्रदर्शित करते हैं, लाइकेन निम्न में से क्या प्रदर्शित करते हैं, तीव्र वृद्धि, सामान्य वृद्धि, अत्यंत धीमी वृद्धि या बहुत तीव्र वृद्धि। तो देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में आगे कि लाइकेन निम्न में से क्या प्रदर्शित करते हैं। तो लाइकेन जो होते हैं, जितने भी लाइकेन होती है वो बहुत धीमी गति से चल, बहुत धीमी वृद्धि उनमें होती है, तो अत्यंत धीमी वृद्धि। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लाइकेन की जो वृद्धि होती है बहुत धीमी धीमी होती है, कैसे होती है, स्लो स्लो बहुत होती है, तो अत्यंत धीमी वृद्धि प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। लाइकेन में मादा जननांग को क्या कहते हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम्स के लिए। लाइकेन में मादा जननांग को क्या कहते हैं, तो स्पर्मोगोनिया, एस्कोगोनियम, ट्राइकोगाइन या कार्पोगोनिया। तो देखो आपको पहले से पता है लाइकेन में जो जनन होता है वो लैंगिक जनन भी होता है, अलैंगिक जनन भी होता है। लाइकेन में जनन दोनों प्रकार से होता है, लैंगिक जनन भी होता है, अलैंगिक जनन भी होता है। लाइकेन में जो लैंगिक जनन होता है उसमें मादा जननांग जो होता है उसे क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो मादा जननांग को आपको कार्पोगोनिया कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्पोगोनिया। मादा जननांग को क्या कहा जाता है, तो कार्पोगोनिया कहा जाता है। बात की जाए कि नर जननांग को क्या कहते हैं, तो नर जननांग को स्पर्मोगोनिया कहते हैं, स्पर्मोगोनिया। तो नर जननांग यदि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात की जाए उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है स्पर्मोगोनिया। स्पर्म से आप याद कर लेना, स्पर्म का मतलब होता है शुक्राणु, और जो आपका नर युग्मक होता है, जो मेल गैमेट होता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे स्पर्म कहा जाता है। उसी से आप याद कर लेना स्पर्मोगोनिया, उसी से याद कर लेना स्पर्मोगोनिया। तो नर जननांग को क्या कहा जाता है, लाइकेन में नर जननांग को स्पर्मोगोनिया कहा जाता है, जबकि लाइकेन में मादा जननांग को कार्पोगोनिया कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी होगा वो राइट आंसर होगा, कार्पोगोनिया। अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आ गए, स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो स्क्रीन शॉट ले लेना, ठीक है। तो स्क्रीन शॉट आप लोग ले लीजिए, तब तक आपको समझ में आ गया होगा खांसी के उपचार में किस लाइकेन का उपयोग किया जाता है, लाइकेन क्या प्रदर्शित करते हैं, और लाइकेन में मादा जननांग को क्या कहते हैं। स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो तो ले लेना। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आज का हमारा, समावयवी लाइकेन यानी कि होमो आइसोमेरिस लाइकेन निम्न में से होते हैं, समावयवी लाइकेन निम्न में से होते हैं। हमने आपको बताया था शैवाल के आधार पर लाइकेन को दो भागों में बांटा गया था, समावयवी और विषमावयवी। समावयवी और एक आपकी कौन सी थी, विषमावयवी। तो ये वही है आपके लाइकेन के भाग जो शैवलांश के आधार पर बांटा, शैवाल के आधार पर लाइकेन को ये बांटा गया था, हमने आपको पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया हुआ है। तो समावयवी लाइकेन क्या होते हैं, जिनमें शैवाल एवं कवक थैलस समान रूप से वितरित होते हैं, दोनों घटक असमान रूप से वितरित होते हैं, केवल कवक ही पाए जाते हैं या इनमें से कोई नहीं, नॉट। तो देखो समावयवी जो लाइकेन होते हैं जिनमें शैवाल और कवक, जिनका जो थैलस होता है वो समान रूप से वितरित होता है, ऐसी लाइकेन जिसमें शैवाल और कवक जो थैलस होता है वो समान रूप से वितरित होता है, ऐसी लाइकेन को समावयवी लाइकेन कहा जाता है। समान रूप से वितरित होता है, जितनी लाइकेन होगा उतना ही शैवाल गवा होगा, तो कैसा होगा, समान रूप से होगा, ठीक है। होमो आइसोमरेस कहा जाता है इंग्लिश में से, होमो आइसोमरेस थैलाई। तो समावयवी लाइकेन क्या होते हैं, ऐसे लाइकेन जिसमें शैवाल और कवक का जो थैलस होता है
वो समान रूप से वितरित होते ऐसी लाइकेन को समावयवी लाइकेन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोनों घटक असमान रूप से होते तो इसका मतलब होगा विषमवयवी। कैसा होगा? विषमवयवी। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ? ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को नोटबुक पे अच्छे से नोट डाउन करना और कई बार रिवाइज भी कर लेना, ठीक है। लाइकेन में राइजीन का कार्य क्या है? लाइकेन में राइजीन ये शब्द है उसका कार्य क्या है? सुकाय को आधार से चिपकाने से, जल अवशोषण से, प्रकाश संश्लेषण क्रिया से, या बी और सी दोनों ही। तो देखो हमने आपको लाइकेन में जब थैलस के आधार पर उसे पढ़ा था, थैलस के आधार पर लाइकेन को बांटा था, तो आपका दूसरा पहला क्रस्टोज था, दूसरा फोलियोज था। फोलियोज जो लाइकेन होती है उसमें आपका ये संरचना पाई जाती है। जो फोलियोज लाइकेन होती है उसकी जो आधार होता है वो राइजीन से जुड़ा हुआ होता है। उसका जो आधार होता है वो किससे जुड़ा होता है? राइजीन नाम की संरचना से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो लाइकेन में राइजीन का कार्य क्या है? ये राइजीन जो ये है वो आपका जो फोलियोज लाइकेन है वहां पर पाया जाता है, उससे संरचना पाया जाता है। तो सुकाई को आधार, सुकाई मतलब थैलस, सुकाई को आधार से चिपकाने से काम करती है। ये राइजीन का काम है सुकाई को आधार से चिपकाने, उसके बेस से चिपकाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? राइजीन। और ये राइजीन कहां पाया जाता है? तो ये फोलियोज लाइकेन में आपका पाया जाता है। किसमें? फोलियोज नाम की जो लाइकेन है उसमें आपका ये राइजीन पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना। राइजीन का कार्य क्या है? तो थैलस को आधार से चिपकाने का काम होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो अभी आपके लगभग हम 60+ क्वेश्चन लगभग करा देंगे और वही क्वेश्चन हम आपको कराएंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो आगे भी देखते रहना, आगे के जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आज का हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आज का क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, लाइकेन में लैंगिक जनन निम्न में से किसके द्वारा होता है? लाइकेन में लैंगिक जनन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा संपन्न ये क्रिया होती है? शैवाल के द्वारा, कवक के द्वारा, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो आप लोग इस क्वेश्चन को देखोगे वैसे ये सोचोगे कि लाइकेन में तो दोनों चीजें पाई जाती है, शैवाल भी होता है, कवक भी होता है, तो आप बहुत जल्दी टिक करोगे ए और बी दोनों, पर ऐसा नहीं है। लाइकेन में जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन में कौन सा भाग लेता है लाइकेन का? कवक भाग लेता है या शैवाल भाग लेता है? तो देखो अच्छे से याद कर लेना, लाइकेन में जो लैंगिक जनन होता है वो किसके द्वारा होता है? वो आपका कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कवक यानी फंगस। लाइकेन में जो लैंगिक जनन है वो किसके द्वारा होता है? तो वो आपका कवक के द्वारा संपन्न होती है। क्रिया जो होती है वो किसके द्वारा होती है? कवक के द्वारा, ना कि शैवाल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लैंगिक जनन निम्न में से किसके द्वारा संपन्न होता है? तो वो आपका कवक के द्वारा संपन्न होती है क्रिया। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, ये भी उसी से लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन है। लाइकेन में लैंगिक जनन में कवक घटक किस वर्ग से संबंधित होते हैं? लाइकेन में जो लैंगिक जनन होता है वो कवक घटक जो होता है, जो कवक कवकांश होता है, हमने आपको बताया हुआ था कि लाइकेन के कवक घटक को कवकांश कहते हैं और लाइकेन के शैवाल घटक को शैवलांश कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहा जाता है एक को माइकोबायोंट, एक को कहा जाता है फाइकोबायोंट। माइकोबायोंट का मतलब है कवकांश और शैवलांश जो होता है उसे कहा जाता है इंग्लिश में फाइकोबायोंट, ठीक है। तो आपको यहाँ पूछा गया है कि लाइकेन में लैंगिक जनन में कवक घटक किस वर्ग से संबंधित है, किस वर्ग से रिलेटेड है? ये एस्कोमाइसिटी से, फाइकोमाइसिटी से, बेसिडोमाइसिटी से, या सभी से? तो देखो लाइकेन में जो लैंगिक जनन में जो कवक घटक भाग लेते हैं, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था शुरुआत में ही, जो लाइकेन में कवक किस वर्ग के सदस्य भाग लेते हैं, तो वो आपके एस्कोमाइसिटीज के, किसके भाग लेते हैं?
लाइकिन जो होती है वो आपकी ज्यादातर जो लाइकिन होती है वो नीले हरे सेवाल और एस्कोमाइसिटीज की बनी होती है, तो वही यहाँ पर हो जाएगा आंसर हमारा एस्कोमाइसिटीज। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एस्कोमाइसिटीज जो होते हैं कवक घटक होते हैं वो सबसे ज्यादा लैंगिक चरण में भाग लेते हैं। लाइकेन में लैंगिक चरण में कवक घटक किस वर्ग से संबंधित है, तो कवक घटक जो होते हैं वो किससे संबंधित है, एस्कोमाइसिटी से संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जबकि ऑप्शन नंबर जो 10 क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर बी होगा कवक। लाइकेन में जो लैंगिक चरण होता है वो कवक के द्वारा ही क्रिया संपन्न होती है, इस बात को आप लोग अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, प्रकृति का किसान किसे कहा जाता है, प्रकृति का किसान साथ ही साथ उसे वायु प्रदूषण का सूचक भी कहा जाता है। आप तो आप समझ चुके होंगे वायु प्रदूषण का सूचक किसे कहा जाता है, तो वो आपका लाइकेन को कहा जाता है। वायु प्रदूषण का सूचक किसे कहा जाता है, लाइकेन को, क्योंकि जिस जगह पर वायु प्रदूषण ज्यादा होगा वहां पर लाइकेन खत्म हो जाएगी, मर जाती है। और ये लाइकेन होती है वो किस गैस के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है, सेंसिटिव होती है, तो हमने आपको ये भी बताया था SO2 के प्रति, किसके प्रति होती है, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होती है इसके प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है कौन, लाइकेन। लाइकेन से यह पूछा जाए कि लाइकेन किस गैस के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, तो वो आपकी किसके, SO2 के प्रति। जिस जगह पर SO2 की मात्रा ज्यादा होगी वहां पर लाइकेन जो होती है वो खत्म हो जाती है, तो आप समझ लेना कि इस जगह पर वायु प्रदूषण है वो बहुत ज्यादा है। इस जगह पर जहाँ SO2 ज्यादा होगा वहां पर लाइकेन जो होगी वो मर जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो आप समझ लेना कि वहां पर SO2 की मात्रा ज्यादा, SO2 की मात्रा ज्यादा है तो वायु प्रदूषण भी बहुत ज्यादा है, एयर पॉल्यूशन है वो भी बहुत ज्यादा है। तो अब आपसे पूछा जाए कि प्रकृति का किसान किसे कहा जाता है, तो आप बता सकते हो लाइकेन। लाइकेन को प्रकृति का किसान, वायु प्रदूषण का सूचक, वायु प्रदूषण का सूचक किसे कहा जाता है, तो वायु प्रदूषण का सूचक आपको लाइकेन को कहा जाता है, इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, प्रकृति का किसान किसे कहा जाता है, लाइकेन को। लाइकेन में लैंगिक चरण कवक घटक के किस वर्ग से संबंधित है, तो एस्कोमाइसिटी से। लाइकेन में लैंगिक चरण निम्न में से किसके द्वारा होता है, तो वो आपके कवक के द्वारा होता है। लाइकेन किस गैस के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, तो वो आपके SO2 के प्रति होती है। स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हमने आपसे शुरुआत में बोला हुआ था कि लास्ट तक वीडियो को देखते रहना, हम आपको लास्ट में एक बहुत जरूरी बात बताएंगे, ठीक है। तो आप बचे हुए 3 क्वेश्चन और हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये तीनों, और अच्छे से समझ के जाना, बहुत ही शायद आपके एग्जाम में आपको देखने को भी मिल सकते आगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। लिटमस अम्ल व क्षार सूचक प्राप्त होता है, जो आपका लिटमस होता है वो एक अम्ल और क्षार का सूचक आ जाता है। इससे लिटमस से आप पता कर सकते हैं कौन अम्ल है और कौन सा आपका क्षार है, कौन एसिड है और कौन आपका बेस है। तो लिटमस अम्ल व क्षार सूचक प्राप्त होता है जीवाणु से, कवक से, शैवाल से या लाइकेन से। तो हमने आपको बताया हुआ था कि जो लिटमस पेपर जो होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है, तो वो आपकी लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, लाइकेन से। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा किस लाइकेन का प्रयोग लिटमस पेपर को बनाने के लिए किया जाता है, किस लाइकेन का उपयोग लिटमस पेपर को बनाने में किया जाता है, हमने आपको वीडियो में बताया भी है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जितने भी क्वेश्चन हम आपको पूछते हुए चल रहे हैं सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और क्लास के बारे में तो जरूर बताएं आज की क्लास आपको कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, किस लाइकेन को मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में होता है प्रयोग, किस लाइकेन को मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में प्रयोग होता है, यानी भोजन के रूप में वो उपयोग करता है। सिट्रेलिया असनिया का या क्लेडोनिया रेंजिफेरा का या लोवेरिया का। तो अच्छे से याद कर लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब मनुष्य को भोजन का अभाव होता है, अकाल पड़ जाता है बाई चांस कभी कभी, तो भोजन के रूप में एक लाइकेन होता है जिसका प्रयोग किया जाता है, उसका नाम है क्लेडोनिया रेंजिफेरा।
क्लेडोनिया रेंजिफेरा एक लाइकेन ऐसी है जिसका प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है मनुष्य द्वारा। किसके द्वारा? मनुष्य के द्वारा भोजन के रूप में किस लाइकेन का प्रयोग किया जाता है? तो वो आपकी है क्लेडोनिया रेंजिफेरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं आज के। किस लाइकेन के कारण जंगलों में आग लग जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम्स के लिए। किस लाइकेन के कारण जंगलों में आग लग जाती है? एर्विनिया, रामालीना, असनिया या ए और बी दोनों ही? तो अच्छे से याद कर लेना इस क्वेश्चन को और नोटबुक में नोट डाउन भी कर लेना अच्छे से। किस लाइकेन के कारण जंगलों में आग लग जाती है? तो देखो एक ऐसी लाइकेन है जिसका नाम है असनिया। असनिया नाम की एक लाइकेन है जिसके ये इतनी ज्वलनशील होती है, ज्वलनशील प्रकृति की होती है कि ये जब ये जंगलों में है तो ज्वलनशील प्रकृति होने के कारण ये क्या होता है, जंगलों में आग लग जाती है। किस लाइकेन के कारण? तो असनिया नाम की एक लाइकेन होती है जिसके कारण जंगलों में आग लग जाती है। इसे एक नाम से और जाना जाता है, उसका नाम है वृद्ध की दाढ़ी। पूछा जा सकता है आपसे कि वृद्ध की दाढ़ी किसे कहा जाता है? किस लाइकेन को वृद्ध की दाढ़ी के नाम से जाना जाता है? तो वृद्ध की दाढ़ी के नाम से आपका जो जाना जाता है वो असनिया नाम की लाइकेन को कहा जाता है। असनिया नाम की लाइकेन को, असनिया नाम की लाइकेन जो होती है वो जंगलों में आग लग जाती है। क्यों लग जाती है? क्योंकि ये बहुत ही ज्वलनशील प्रकृति की होती है तो इसलिए जंगलों में क्या लग जाती है, आग लग जाती है। तो ये किसके लिए उत्तरदायी है? तो ये जंगलों की आग के लिए उत्तरदायी होती है। इसे वृद्ध की दाढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। मनुष्य के भोजन के रूप में कौन सी लाइकेन आती है? तो क्लेडोनिया रेंजिफेरा। और अम्ल और क्षार का सूचक किसे कहा जाता है? तो लिटमिस। और लिटमिस किससे प्राप्त किया जाता है पेपर? तो वो आपका लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। किससे किया जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। तो ये आज के हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कोई क्वेश्चन है बचा हुआ होगा तो हम आपके लिए अब जल्दी टॉप 1000 क्वेश्चंस की जो हमारी सीरीज चलती थी सुबह के नाश्ते के रूप में ये टॉप 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज हमारी चल रही थी वो कई दिन से हमें ये वीडियो भी नहीं आपके लिए डाले, तो ये भी हम वीडियो जल्दी स्टार्ट करेंगे टॉप 1000 क्वेश्चन। इसमें हम आपको कम से कम 50+ क्वेश्चन करा लेंगे और 500+ क्वेश्चन हम आपको करा भी चुके हैं। अब बात करते हैं जरूरी सूचना क्या आपके लिए। तो जरूरी सूचना आपकी ये बात है कि आपको यदि पीडीएफ चाहिए, जितनी भी पीडीएफ हमने बनाई पीछे जो भी वीडियो डाल चुके हैं उनकी पीडीएफ हमारे पास रखी हुई है, यदि आपको लेनी है पीडीएफ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारा टारगेट बायोलॉजी। क्या नाम है? टारगेट बायोलॉजी। इस पर हमारी ये टेलीग्राम चैनल है और इस पर हम जितनी भी पीडीएफ हमारे पास है बायोलॉजी की सभी पीडीएफ आपको इस पर मिल जाएंगी। ठीक है, सभी पीडीएफ हम आपको इस पर डाल देंगे तो आप लोग जल्दी ही उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जितनी भी पीडीएफ हमारे पास रखी है सभी पीडीएफ हम वहां पर डाल देंगे एक एक करके और आप लोग उनको देख लीजिएगा और क्वेश्चन को जो भी वीडियो डली है पिछली बायोलॉजी की उनकी वीडियो उनको पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो जिससे आपका 2021 में सिलेक्शन हो सके। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम आपके लिए प्लांट किंगडम लेकर आएंगे। प्लांट किंगडम में शैवाल पर बात करेंगे, ब्रायोफाइटा, टेरोडोफाइटा, थैलोफाइटा क्या होते हैं, एक एक करके सभी पर चर्चा करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी, और कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। यदि इससे कुछ क्वेश्चन बचे हुए होंगे, पहली बात तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमने आपको करा दिए, आप या थ्योरी प्लस ये क्वेश्चन सभी अच्छे से देख लेते हैं तो आपको लाइकिंग जो टॉपिक है वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इन वीडियो को देखिएगा, पिछली जो भी वीडियो हमने डाली फिजिक्स हो चाहे बायोलॉजी हो चाहे केमिस्ट्री कुछ वीडियो डाली सभी वीडियो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स हमसे अभी न्यू जुड़ रहे हैं वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।